ये है वो ड्रिंक जो चीन में सारे काम बनाने की चाबी है। माओ ताई का ये शहर दुनिया के सबसे कीमती शराब ब्रांड का घर है। भ्रष्ट अफसरों को ये बहुत भाती है क्योंकि वो बस सबसे महंगा ब्रांड ही पीते हैं और इस ब्रांड से उनका प्यार इसकी कीमत को और बढ़ाता जाता है। खोजी पत्रकार के तौर पर लियो हू ने कई आपराधिक मामले सुलझाए हैं और भ्रष्ट अफसरों की पोल खोली है। अपने काम के कारण उन्हें एक साल जेल में भी बंद रहना पड़ा। अब वो माओ ताई पहुँचे हैं जो चीन की सबसे लोकप्रिय शराब ब्रांड का गढ़ है। ये सरकारी कंपनी चीन की सबसे बेशकीमती कंपनी बन चुकी है। कीमत के मामले में इसने देश के सबसे बड़े बैंकों को पछाड़ दिया है। मुझे लगता है इस मामले में खोजबीन किए जाने की जरूरत है। इस मामले में मेरी दिलचस्पी का मुद्दा ये है कि कंपनी उन सारी बुराइयों में शामिल है जिनसे चीनी सरकार खुद भी जूझ रही है, जैसे कि अफसरशाही, झूठ, लापरवाहियां और अदूरदर्शिता। माओ ताई शराब के शुरू होने की कहानी 1930 के चीनी गृह युद्ध से जुड़ी है, जब चियांग काई शेक की राष्ट्रवादी सेना कम्युनिस्टों के पीछे लगी थी। तब बचने के लिए रेड आर्मी एक साल के लिए वहां से भाग गई, जिसे लॉन्ग मार्च कहा जाता है। भागते हुए वो दक्षिण चीन के माओ ताई शहर पहुंची। वहां कुछ बेहतरीन शराब की भट्टियां थीं। बाद में कई सैनिकों ने अपने संस्मरण में लिखा कि वो उनके लिए बड़ा रोमांचक अनुभव रहा। जब हमने शराब से भरे तहखाने खोले तो उनसे तैरकर आती खुशबू नाक में भर गई। उसका मालिक राजनीतिक बदलावों का मशहूर विरोधी था। जाहिर है हमने सारी शराब जब्त कर ली। पीने का मादा रखने वाले सैनिकों ने खूब छक कर शराब पी और जो नहीं पी सके उन्होंने पतीले में शराब भरकर अपने पांव धो लिए। ये जब्ती और ज्यादती की कहानी है। हालांकि शराब के अतीत से जुड़ी आधिकारिक कहानी इससे अलग है। शू ज्या सेंट्रल कमेटी के पार्टी हिस्ट्री इंस्टीट्यूट में एक सहायक शोधकर्ता हैं। वो ईमानदार थे, उन्होंने पूरे पैसे चुकाए, आम लोगों से कोई जबरन उगाही नहीं की। माओ ताई शराब पीने के लिए वो बड़े जोश में थे, लेकिन उन्हें जंग लड़नी थी इसलिए उन्होंने बहुत शराब नहीं पी। लेकिन उन सैनिकों को वो शराब जितनी पसंद आई उतनी सबको नहीं भाती है। एक अमेरिकी पत्रकार ने इसे लिक्विड रेजर ब्लेड बताया था। चीन में माओ ताई जैसी शराबें बाय जो कहलाती हैं, माने सफेद शराब। गानबे, जिसका मतलब है ग्लास सुखा दो। अमेरिकी कारोबारी डेरेक सैंडहाउस लंबे वक्त तक चीन में रहे हैं। चीन की शराब पीने की परंपरा पर वो दो किताबें लिख चुके हैं। माओ ताई सॉस जैसी खुशबू वाली एक बाइजो है जो कि पीने में बड़ी स्वादिष्ट होती है। इसमें आपको तिल, ड्राई फ्रूट्स, थोड़ी सी चॉकलेट, कॉफी और यहाँ तक कि मशरूम और खमीर उठाए हुए बीन के पेस्ट का भी स्वाद आता है। लोग सदियों से एक सस्ती और दमदार शराब के तौर पर बाइजो का लुत्फ उठाते आ रहे हैं और जब कम्युनिस्ट सत्ता में आए तो उनकी प्राथमिकताएं साफ थीं। उन्होंने जो पहला बिजनेस लाइसेंस जारी किया वो बाइजो के कारखाने को मिला, यानी बीजिंग की रेड स्टार डिस्टिलरी को। उन्होंने एक ऐसी शराब को चुना जो कि उस वक्त तक ज्यादातर किसानों और मजदूरों के बीच लोकप्रिय थी। इसे उन्होंने ऐसी जगह पहुंचा दिया कि ये पीना गर्व की बात मानी जाने लगी। वो ऐसी शराब को तवज्जो देना चाहते थे जिन्हें कामकाजी आम लोग पसंद करते हैं। इन्हें अमीरों की पी जाने वाली शराब से ज्यादा लोकप्रिय बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पूरे देश में बाइजो की भट्टियां लगानी शुरू की। जाहिर है कि अपनी इस योजना को अंजाम देने में लगे कम्युनिस्टों को जल्द ही माओ ताई शहर में शराब भट्टियों का फैमिली बिजनेस भी याद आ गया।
वो एक बड़ी सरकारी कंपनी खड़ी करना चाहते थे जो उन्हें शराब मुहैया कराए। इसके लिए उन्होंने भट्टियों पर सरकारी कब्जा करना शुरू कर दिया। एक शराब भट्टी का मालिक अपना कारखाना देने को राजी नहीं हुआ तो उसे मार डाला गया। लियो हू ने माओताई पर कई लेख लिखे। उन्होंने आर्काइव्स को खंगाला और गवाहों से बात की। उनकी नजर में माओताई सिर्फ इतिहास नहीं है बल्कि मौजूदा चीन की बुराइयों को समझने का एक जरिया है। ये वो शराब है जिसे चीनी नौकर शाह पसंद करते हैं। वो और कोई शराब नहीं पीते, इसलिए कारोबारियों को ये ही खरीदनी पड़ती है। उन्हें ये महंगी तो लगती है लेकिन इसे खरीदना उनकी मजबूरी है। अगर ये शराब ना हो तो वो सरकारी अफसरों से रिश्ते नहीं बना पाएंगे। चीनी सरकार बहुत ताकतवर है, आपको अधिकारियों को खुश रखना ही होगा वरना आपका बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। चीन के सरकारी कंट्रोल वाली पूंजीवादी व्यवस्था में अक्सर रिश्वत ही काम करवाने का इकलौता तरीका होती है। माओताई शहर की पहचान अपने यहाँ बनने वाले शराब के ब्रांड से गुंथ चुकी है। यहाँ रहने वाले हजारों लाखों लोगों को कहीं और बसा दिया गया ताकि शहर में शराब कारखाने के लिए जगह बनाई जा सके। जहाँ तक नजर जाती है सिर्फ माओताई की फैक्ट्रियाँ हैं। चेन काई का परिवार सरकारी शराब भट्टी के नजदीक ही अपना एक शराब कारखाना चलाता है। 1980 के दशक में जब चीन ने निजी कारोबार की इजाजत दी तब से इस शहर में हजारों छोटी शराब भट्टियां खड़ी हो चुकी हैं। यहां ज्वार और गेहूं से शराब बनती है। जमीन के भीतर खोदे गड्ढों में इन्हें सड़ाया जाता है। पश्चिमी देशों में बनी डिस्टिल्ड शराब से अलग इसे सूखा ही सड़ाया जाता है। जरा इस शराब को चखिए, इसकी महक सूंघिए। डिस्टिलेशन प्रक्रिया के लिए अनाज के दरदरे ढेर को बड़े बड़े स्टीमरों में डाला जाता है। फिर पानी उबाला जाता है, उसकी भाप मिश्रण के अंदर जाती है जिससे खमीर उठे अनाज में से शराब निकलती है। शराब बनाने की ये तकनीक चीन की खासियत है। फिर मिट्टी के कनस्तरों में भरकर शराब की एजिंग की जाती है। ग्राहक इसे खरीदते हैं और हमारे यहाँ रखवा देते हैं। बाद में जब उनके बच्चों की शादी होती है या कोई सालगिरह का मौका, तब हम इसे बोतल में भरकर उन्हें भिजवा देते हैं। ये सेवा उनके कारोबार का मॉडल है। मशहूर सरकारी भट्टियों में सिर्फ बड़े अफसरों को ही ऐसी सुविधा मिल सकती है। 1950 का दशक खत्म होते होते ये शराब कम्युनिस्टों के लिए इतनी अहम हो गई कि इसके आगे उन्हें कुछ नजर नहीं आता था, यहाँ तक कि आपदा भी नहीं। उस दौरान माओ त्से तुंग की कथित ग्रेट लीप फॉरवर्ड नीति से बड़ा आर्थिक संकट आ गया। सामूहिकीकरण से जुड़े प्रयोगों ने मानव इतिहास की सबसे बड़ी भूखमरी को जन्म दिया। करोड़ों लोग भूख से मारे गए। ऐसी हालत में भी सरकार ने अनाज का कोटा तय रखा ताकि माओताई फैक्ट्रियों में सामान की कमी न हो। एक तरफ खेतों में किसान भूखे मर रहे थे, वहीं फैक्ट्री में कम्युनिस्ट पार्टी के ताकतवर लोगों के लिए लगातार शराब बन रही थी। चीन के पहले प्रीमियर चाओ एन लाई ने माओताई को सरकारी दावतों के आधिकारिक ड्रिंक बनाया। वो माओताई से बखूबी वाकिफ थे और उन्हें शराब पीने का काफी अनुभव भी था। शराब पचाने के उनके दमखम के बड़े चर्चे होते थे। वो लॉन्ग मार्च के वक्त से ही इसके शौकीन थे और अब वो इसे विदेशी मेहमानों को भी परोसने लगे। इनमें सबसे मशहूर हस्ती रहे रिचर्ड निक्सन जो तब पहली बार चीन की यात्रा पर पहुंचे थे। माओताई चीन की आधिकारिक कूटनीतिक शराब बन गई। इसकी वजह से चीनी लोगों के बीच इसका दर्जा और ऊपर उठ गया। आज माओताई कंपनी की वैल्यू लगभग 350 बिलियन यूरो है। पत्रकार लियो हू को शक है कि चीन में भ्रष्टाचार को खाद पानी देने वाले इस ब्रांड का असल मोल शायद इतना नहीं जितना बताया जाता है। पड़ताल के लिए वो नजदीक के एक शहर जा रहे हैं। माओताई कंपनी ने इस जगह पर दावेदारी जताते हुए एप्लेशन ऑफ ओरिजिन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, यानी सिर्फ माओताई में बनने वाली शराब ही माओताई नाम से बिक सकती है। इसे कहीं और नहीं बनाया जा सकता है।
लेकिन यहाँ माओताई से 50 किलोमीटर दूर उन्हें पता लगा कि कंपनी एक बड़ा प्रोडक्शन प्लांट बना रही है। बाजार में तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कंपनी कई नए उत्पाद लाई है जिनकी कीमत कुछ दर्जन से सैकड़ों यूरो के बीच है। लियो हु ने पता लगाया कि उन उत्पादों में से कुछ यहीं बनते हैं, माओताई में नहीं। वहाँ देखिए, वो कारखाने चालू दिख रहे हैं। किसी को परवाह नहीं वो क्या करते हैं। लगता है मानो इन मामलों को देखने वाली सरकारी एजेंसियां हैं ही नहीं। लोहू की नजर में माओताई की कहानी भ्रष्टाचार से भरी है, लेकिन इस ब्रांड की सत्ता से नजदीकी कई ग्राहकों के लिए इसे ज्यादा आकर्षक बनाती है। कुछ साल पहले जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरू किया तो माओताई की कीमत गिर गई, लेकिन अब वो फिर से ऊपर चढ़ रही है। इसके प्रीमियम ब्रांड की एक बोतल शराब 200 यूरो से भी ज्यादा की बिकती है। सस्ते विकल्पों की बिक्री भी खूब अच्छी है। दुकानदार बताते हैं कि इसकी कीमत हाल ही में 10 यूरो से भी ज्यादा बढ़ी है। पहले ये 20 यूरो से कम में आती थी, अब 30 की हो चुकी है। ऐसे कई लोग हैं जो निवेश की सोचकर माओताई जमा करते हैं। वो बोतलें खरीदते हैं, लेकिन पीने के लिए नहीं बल्कि जमा करने के लिए। उनके लिए ये शराब से कहीं ज्यादा कमाई का एक जरिया बन गई है। माओताई चीन के ताकतवर लोगों की शराब है। लियो हु इस पर बारीक नजर बनाए रखना चाहते हैं।